अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, हाशिम आरिफ ऑर्गेनिक फार्म से। हम यहाँ पर एक हमने एक फार्म बनाया हुआ है। ये कहानी है एक मनचले मुसाफिर की जो मोटरसाइकिल पे खुदा की तेल इस हसीन वतन अजीज को एक्सप्लोर कर रहा है। लोकेशंस की गाइडेंस और हर जगह के मुख्तलिफ पहलू दिखाने के लिए ये चैनल बनाया। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और आए इस सफर में मेरे साथ इस जन्नत नजीर मुल्क को मेरी आंख से देखें। So much ambition, people are pride. Like, we don't see there's beauty in simplicity. I see more happiness in them than I see in me. And they got less than you, and you got more than me. And we still want more and more, obviously. We continue like this, we're never gonna find peace. I know. Hey, finally, pahunch gaye. Aur bahut mushkil rasta tha. Video ke aakhir mein summarize karunga raste ko. ऑफ रोडिंग है काफ़ी ज़्यादा और मैप में काफ़ी सारी मिस गाइडेंस भी है, तो आखिर में इंशाल्लाह इसको एड्रेस करूँगा। अभी देखते हैं, इंजॉय करते हैं जगह को, देखते हैं क्या सीन है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, दो कोस्टर्स, तीन चार गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। Too much ego, too much arrogance, too much pride. We care more about the image than the hearts and the mind. Counting my blessings, I was born with nothing. And I know I die with nothing. So now I don't ask for nothing. Don't need for nothing. He's enough for me. This life is not for me. We don't live for money, but we need money to live. I saw. भाई so far entrance के बाद जहाँ पे parking थी, उसके बाद इन्होंने एक main area बनाया हुआ है जहाँ पे इन्होंने stall लगाया हुआ है कुछ organic चीज़ों का, जिसमें मैंने short ad किया है। उसके अलावा खाने पीने के लिए बैठने की जगह भी वही है, किचन भी इनका वहीं पर है। और उसके पीछे अभी मैं आया हूँ तो यहाँ पे मुर्गियाँ, एक टर्की देखी है, सो फार देसी मुर्गियाँ, सारी फार्मी मुर्गियाँ नहीं, सारी देसी मुर्गियाँ। और देखते हैं और क्या है, बकरी के बच्चे बड़े मज़े के यहाँ पे घूम रहे हैं इर्द गिर्द, तो वील सी और क्या क्या चीज़ें। अभी घूमते हैं आगे पीछे शेर भी, और आखिर में इनकी सब चीज़ें ऐड करते जाएंगे। हाँ, यहीं की शकरकंदी है, इसी फार्म की है। नहीं नहीं, सिर्फ लेने के शक्कर कंदी है ये। हां, those kids are felt like my kids. I used to complain about my family, but I got family to complain about. You know, we'd complain about our property when they don't even have a house. You see, I've been traveling, eyes open, witnessing this life like we never known. They're worried about food tomorrow, we're worried about getting a good picture on our phone. In us, I see we अब राजस्थानी में बोलो। In them I see strength. We just post for a couple days, donate a few pence, then go back to the privilege. They forever live this. But you're depressed in a big house. Film yourself crying like you're suffering. Oh, that life must be so hard in that cozy bed you're lying in. Making plans for when you're older. They just pray to see tomorrow. Now they smile the biggest smiles for that small meal and that little play. They appreciate God's blessings for that one visit we made today. But we still complain, complain, complain. How ungrateful are we? Lift the blinds so we... पे बंदा ऐसे स्विंग करे और डायरेक्ट जो है ना वो उड़ता हुआ जाए, या पैराशूट पहन के झूला झूले। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ का फ्यूचर स्कोप है इस झूले का, कि यहाँ से पैराग्लाइडिंग की जा सकती है। Can see when one child cries, the whole world cries. Or do we just stand by? Every child deserves to eat and sleep in a decent bed. If you see how happy he was with us, a little piece of bread. In depth, यहाँ की डिटेल्स जो हैं, वो यहीं के किसी स्टाफ के साथ डिस्कस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें बताएं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सर्विसेज ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। मैं अभी तक सिर्फ एक अपना एक जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ
जितनी देर हुई है मुझे अभी यहाँ पे घूमते हुए, एक घंटा भी नहीं हुआ आई गैस। गंदम के खेत हैं यहाँ पे, यहाँ पे मिर्चें लगी हुई हैं और उनके शॉट्स मैंने ऐड कर दिए। बाकी इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करना जाना वो भी एक बड़ी अच्छी और बड़ी हेल्दी तफरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है, हाशिम आरिफ ऑर्गेनिक फार्म से। हम यहाँ पर एक हमने एक फार्म बनाया हुआ है। आमतौर पर हमारी जो सब्ज़ियाँ होती हैं और जो भी चीज़ हम क्या कहते हैं ज़मीन से उगा रहे होते हैं उसमें हम केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, यूरिया है, DAP है, ऊपर फिर जहरीला स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है। तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्म बनाया है जिसमें हम किसी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, सारा चीज़ें नेचुरली होती हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। हम नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए वो चीज़ हम लेकर अपनी ज़मीनों को रिच कर रहे होते हैं, हमारी ज़मीनें हेल्दी होती हैं, तो उसके ज़रिए फिर हम अपने प्लांट को ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक ग्रो में मसला ये होता है कि इब्तदा में हमें यील्ड कम मिलती है, प्रोडक्शन कम मिलती है, लेकिन वो जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत सेहतमंद होती है और फ़ायदेमंद होती है। तो हम यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास फ्री रेंज जानवर होते हैं, फ्री रेंज बकरे होते हैं, फ्री रेंज गाय और बछड़े होते हैं, उन सब फ्री रेंज रखा हुआ होता है। इसी तरह मुर्गी भी हमारे पास है, वो सारी फ्री रेंज है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक सस्टेनेबल फार्मिंग होती है जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दिया जाता है। हम यहाँ पर कर रहे हैं हाशिम आरिफ ऑर्गेनिक फार्म के नाम से। भाई यहाँ का एक मेन सेगमेंट है हार्वेस्टिंग, सही खेतों में लाके खुद से चीज़ें हार्वेस्ट की जाती हैं, वही चल रहा है यहाँ पे। हम अपने फार्म पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने होते हैं जिनमें हम अपने फार्म पर लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि लोग कराची से आएँ, एक अच्छे और सेहतमंद माहौल में यहाँ पर एक पूरा दिन गुजारें, यहाँ जो देसी खाने होते हैं उसको एंजॉय करें और साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह होती है उसको सीखें और अपनी आँखों से देखें। ये पहले थोड़ा सा इसको खद्दा खोदना है, फिर इसके बाद इसको आपने गाजर निकल आई ये इस तरह थोड़ा खड्डा खोदें, जगह बनाएं। ये गाजर है सारी निकालें, अपने हाथ से निकालें। जो गाजर आप निकालेंगे वो आपकी साथ ले जाएं। सिर्फ थ्योरी नहीं, साथ प्रैक्टिकल भी हम दिखाते हैं कि भाई ये आपने सुना इस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और ये आपके सामने सारी फसलें लगी हुई हैं, अपने हाथ से हार्वेस्ट करें, अपने हाथ से गाजर निकालें, अपने हाथ से मूलियाँ निकालें और साथ उसको खाएँ और साथ घर लेके जाएं। ये हम 3 महीनों में वर्कशॉप अनाउंस करते हैं। जब वर्कशॉप अनाउंस करते हैं तो उसमें हम चार्जेस होते हैं हमारे खाने के साथ, हमारे चार्जेस 1100 रुपये होते हैं। हम यहाँ पर खाना भी प्रोवाइड करते हैं दोपहर का और ये पूरी वर्कशॉप भी होती है, तो इसमें एक पूरा दिन आप गुजार सकते हैं। उसको हम अनाउंस करते हैं और जो वर्कशॉप उस पर व्हाट्सएप पर हमारी लिस्टें बनी हैं उस पर हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप बुक करवा के आराम से उस दिनों में आ सकते हैं, हमारे पास फार्म पे विज़िट कर सकते हैं। तो भाई लोग अपने अपने घरों के सलाद पूरे कर रहे हैं यहाँ पे और गाजरों के बाद जो है अब वो चुकंदर निकाली जा रही है और यहाँ मज़े की एक्टिविटी है। ये चेक करें फ्रेश चुकंदर, गाजर तो मैंने निकाल के खैर खाई भी तो बड़ा बेहतरीन सीन है। इंशाल्लाह इनके साथ डिस्कशन करेंगे जब वो उनके पास टाइम होगा, उनको सबको अटेंड भी करना है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और वर्कशॉप नुमा पूरा सिनेरियो है कि बताते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग पे, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी फ़िलहाल सेगमेंट्स एंजॉय करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर घर तक जाओ। I wish to see a world where we live by divine values. We don't just take and live, we give back, show gratitude. But this world was given to us as a test. Are we happy as long as we live good? Can we ignore the rest? Live with meaning and purpose. Live with purpose, a life of meaning. You wanna die as a legend. Good deeds don't have no ceiling. Be a person of principles. Self-discipline live under strict rules. Care about the people. Be kind to the people. Assist the people. Aid the people. There's gonna be a time when you need the people to care about you and assist you. ये रहा टर्की, मुझे आज टर्कीज में ये नया फीचर पता चला है। भाई ये देखें, टर्की में एक फीचर होता है, अब सामने बेवकार आवाज़ निकालें ये रिस्पॉन्ड करता है। दोबारा भौंकी, वीडियो में नहीं आया।
बोलो टेंशन वाली आवाजों में बोलता खाली। बाकी मुर्गे मुर्गियां देख रहे हैं कहाँ से आ गए, शहर वहर से आए हैं क्या? मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो सेंड करूंगा इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, बाकी रही हूँ। If they got nothing, we got nothing. If they got no water, we got no water. If they can't sleep, we can't sleep. If they can't eat, we can't eat. See, we got nothing to brag about. This world is our home, and our home's in a terrible state. Be the change you want to see. Yesterday has passed. अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारी अपडेट हासिल करना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा एक हाशिम आरिफ के नाम से पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज बना हुआ है। दूसरा हमारा ये नंबर है व्हाट्सएप पर 0321-2000361, इसके जरिए व्हाट्सएप के जरिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उस पर कैटलॉग बना हुआ है, सारी चीज़ें हमारी आप देख सकते हैं, मालूमात दे सकते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में आपको हम होम डिलीवरी भी करते हैं। पूरे कराची में हमारी जितनी प्रोडक्ट है वो घरों पर होम डिलीवरी के जरिए घर पहुँचाती है। प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारी प्रोडक्ट्स में? हमारे पास जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो होती हैं, हमारा आटा बड़ा मशहूर है, हमारे पास कोल्ड प्रेस ऑयल्स होते हैं, हमारे मुख्तलिफ हर्ब्स होती हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया हमदा भाई। सलाम अलैकुम भाई। अब वाकई एंड है व्लॉग, जाते जाते इन्होंने मटके में कहवा दिया है और वो मटके भी साथ लेके जाने, तो ये बड़ा फिट सीन है। आई होप यू ऑल एंजॉयड वंस अगेन। आई एम लीविंग फ्रॉम हियर नाउ। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:40 और बस यहाँ से जा रहे हैं। आई वॉज लकी इनफ कि आज इनकी इस साल की आखिरी वर्कशॉप थी, वो मैंने अटेंड की। टेक केयर गाइस, जल्दी स्टे फिट, कीप गोइंग फॉरवर्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया है, DAP है। दोबारा करना है आ रहे? क्यों टाइम पास कर रही हो? ऑफ रोडिंग कर रही हो? छोड़ दो देख के पाँव आगे सही तरह रखना भाई, वो रहा ऊपर झूला, यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं।